सीवान के हसनपुरा प्रखंड के तेलकथू में बीएसएफ जवान का पार्थिव शरीर पहुंचते ही पूरे गांव में शौक की लहर दौड़ पड़ा। बताते चले कि बीएसएफ के जवान शिवजी यादव का जम्मू कश्मीर में तैनात थे। मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 16 दिसंबर को सुबह 7 बजे आतंकी हमला के दौरान गोलीबारी में घायल हो गए थे। बताए जा रहे हैं कि गोली सीने में लगी थी, जिसके बाद 92 बेस आर्मी हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। स्थिति बिगड़ने पर आईसीयू में भर्ती किया गया था। तभी 24 दिसंबर को सुबह 3 बजे जिंदगी की जंग हार गए। क्या कहेगा सर, आज हसनपुरा के सरजमी पे तिलकतु गांव के रहने वाले शिवजी यादव शहीद हो गए हैं, क्या कहेगा? सबसे पहले तो शिवजी यादव जी, जो हमारे देश की रक्षा करते करते बीएसएफ के जवान, अपने जान को आहुति दिया, उनके चरणों में अपने तरफ से, पूरे सिवान के जनता जनार्दन के तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आप शिवजी यादव जी, आप इस दुनिया में भले ही आपका शरीर नहीं है, लेकिन आप जीवित हैं। आप जब तक यह धरती रहेगी, आसमान रहेगी, तब तक आपकी कृतियां रहेगी यहां, और हम सब आपको गाते रहेंगे, हम सब आपको याद करते रहेंगे, क्योंकि आपने अपने जीवन की पूरी समय देश की रक्षा में बिताई है। और बाकी सब जवानों, नौजवानों को मैं कहना चाहता हूं कि देश में जो लोग भी देश की रक्षा सुरक्षा में लगे हैं, उनको देश याद करते रहती है, देश की जनता जनार्दन याद करते रहती है, क्योंकि आप इस देश के महान हैं। आप ही के वजह से यह देश सुरक्षित है। आपकी कुर्बानियों, आपकी शहादत से इस देश की सुरक्षा होती है। और हम लोग चाहे जितना इनका आदर करें, सम्मान करें, वो कम ही है, क्योंकि जो देश के लिए सुरक्षा में लगा है वो महामानव है, और इन्हीं लोगों की वजह से हमारी देश सुरक्षित है। हम भारत के एक एक जनता सुरक्षित हैं, इसलिए मैं इनके बार बार चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जिस आतंकी हमले में गोली लगी थी, आतंकियों के उनके क्या कहेंगे, जो लोग बार बार इस तरह से सीज फायर करते रहते हैं, जवानों पे गोली चला देते हैं आतंकी लोग? वो आतंकी देश को बराबर ही देश पर हमला करते रहते हैं, और उनकी फिराक रहती है कि देश के नौजवानों को मार करके इस देश में घुसेंगे, देश के लोगों को मारेंगे, भारतवासियों को मारेंगे, लेकिन उनकी मनसा मंसूबा जो है, हमारे देश के जवान कामयाब नहीं होने देते हैं। अपनी जान गंवा करके भारत को सुरक्षित रखते हैं, और भारत को सुरक्षा करते हैं अपनी जान दे दे करके। इसलिए हमारे देश के जवान मुस्तैदी से बॉर्डर पर सुरक्षा कर रहे हैं हमारे देश को, और उन सारे आतंकवादियों को संदेश देना चाहते हैं हम लोग, यहाँ के नौजवान, कि तुम्हारी मनसा कभी कामयाब नहीं होगी, और यह देश, यह भारत आपको माकूल जवाब देते रहेगा।